कि इस कठपुतली हुकूमत की एक गुलाम ब्यूरोक्रेसी ने हमें हाई कोर्ट के हुक्म से दिए हुए एनओसी को कैंसिल कर दिया। अब मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से मौके पर कौन कौन सी पटिशन फाइल की और उसका फैसला क्या हुआ। मुख्तसर सा मैं ज़रा आपको बताऊँ। सबसे पहले हमने रेट पटिशन नंबर फाइल की 974 ऑफ 2024। उसका फैसला आया 20/3/2024 को ये चीफ जस्टिस आबाद हाई कोर्ट का। उसने कहा कि इनकी एप्लीकेशन जलसे के लिए फौरी तौर पर डिसाइड की जाए। वो डिसाइड हमारे खिलाफ कर दी उन्होंने 23/3/2024 को। उसको हमने चैलेंज कर दिया एक नई रेट पटिशन के जरिए, वो की 1026 ऑफ 2024। उसका हमारा फैसला आया हमारे हक में 27/3/2024 को और कोर्ट ने कहा है कि जो आपने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है ये गलत है, इनका हक है, बुनियादी हक है कि ये जलसा करें, जुलूस निकालें, रैली निकालें। अब उसके ऊपर फिर इन्होंने फैसला नहीं किया, हमें एनओसी नहीं दिया। फिर हमने कंटेंप्ट पिटीशन फाइल की जिसका नंबर है 137 ऑफ 2024। फिर जब अदालत ने इनको फौरी तौर पर बुलाया, उनको कहा कि इनको ये दें, इनको एनओसी दें, तो इन्होंने हमें एक एनओसी ला करके पकड़ा दिया। उसकी तारीख है 30/5/2024 की। अब उसके अंदर हमें जो एनओसी दिया ये रवात में दे दिया, वो जो कि जीएचक्यू के अंडर में एफडब्ल्यूओ की जगह है, वहाँ जाकर दे दिया कि जी वहाँ जाकर जलसा करें। फिर कंटेंप्ट हमने डिस्पोज ऑफ की कराई 31/5/2024 को और कोर्ट ने कहा कि इसको फ्रेश ऑर्डर को चैलेंज कर दें। फिर हमने इसके ऊपर इसको चैलेंज किया, एक रिट पिटीशन फाइल की, उसका नंबर है 1865/2024। इसको फिर जब हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बुलाया, इनको कहा कि ये इनका बुनियादी इंसानी हक है, फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट, और ये जलसा करें, आप अगर इनको रोकेंगे मैं फैसला करूंगा, ये 26/6/2024 को ऑर्डर किया। तो इन्होंने डीसी ने 3/4 का ऑर्डर 4/4 को जाकर अदालत में पेश कर दिया। 4/4 को कोर्ट में केस फिक्स था और उन्होंने कहा जी ये लें जलसे की इजाज़तनामा और हमें कोई एतराज़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जलसा 5/7 को ये कर लें और हमें इजाज़तनामा 6/7 को ये कर लें और हमारा इजाज़तनामा हो गया। फिर इस जलसे को कैंसिल कर दिया 5/7 को और एक रात की तारीखी में 1:30 बजे मुझे उसका ऑर्डर आया। हमने कोर्ट में फिर एक कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल की जिसका नंबर है 177/2024। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने हमें कहा कि चूंकि नया ऑर्डर आ गया है तो उसके लिए फ्रेश रेट पिटीशन फाइल की। फिर हमने एक और रेट पिटीशन फाइल की, उसका नंबर है 2180/2024 और वो फिर डिसाइड हुई है 22/7/2024 को। उन्होंने कोर्ट ने इस जो कैंसिलेशन थी या सस्पेंशन ऑफ एनओसी थी उसको सेट असाइड कर दिया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनका हक है और इनको ये अलाउ करें। फिर उसके लिए हमने इन्होंने नहीं दी हमें। फिर हमने एक कंटेंप्ट पिटीशन फाइल की 195 जिसके ऊपर कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर 1/8/2024 से पहले इनको तलब कर लिया। इन्होंने 31/7/2024 का ये एनओसी दे दिया कि जी 22/8 को आप कर सकते हैं, जो कि अभी आज ये कैंसिल किया है। अब ये आ करके 31/7/2024 के इस जो एनओसी था उसको आज की तारीख में इन्होंने कैंसिल कर दिया। इस दौरान हमने एक और रिट पिटीशन फाइल की थी जिसका नंबर था 2290/2024। उसमें हमारे हक में फैसला आया कि राइट ऑफ प्रोटेस्ट है इनका और जलसा करना इनका हक है। वो तारीख थी 26/7/2024 की। उसके ऊपर हमने कंटेंप्ट पिटीशन फाइल की थी जिसका नंबर था 196/2024 जिसके अंदर 1/8/2024 को ऑर्डर आया कि नहीं जनाब, ये हमने इनको अलाउ कर दिया है, अब हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं। फिर हमने एक रेट पिटीशन इस दौरान और की, वो थी 2428/2024 और उस पर हमने कहा कि जी ये जो जगह है ये छोटी है, हमें F9 पार्क दिया जाए। और उसके साथ हमने कहा ये तारीख इसकी बजाय हमें तारीख पीछे ले आई जाए, वो तारीख तो तब तक गुजर गई थी। लेकिन कोर्ट ने ये ऑर्डर किया 15/8 को और इनकी अंडरटेकिंग लिखी है कि ये कैंसिल भी नहीं करेंगे और ये जलसा होगा, इसी तारीख पर होगा और इसी जगह पर होगा। और ये जस्टिस मियां गुलस्तान औरंगज़ेब साहब का आखिरी ऑर्डर था और वो आ जा करके सारे कोर्ट्स ऑर्डर को इन्होंने वायलेट करते हुए ये इलीगल ऑर्डर पास किए हैं जिसके खिलाफ हम कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट
करने का हक रखते हैं, लेकिन मैं वाजे तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि इनके तमाम तर मनसूबे नाकाम होंगे। इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा। पूरी कौम को मैं मैसेज देता हूँ कि बाहर निकले और जलसे को कामयाब करें। शुक्रिया।